हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइंस केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और डिफरेंस देखेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और एंड में मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन कैसे लिखते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी दी थी मुलिकेन एंड हुन ने। इसको फर्दर डिवेलप किया था हमारे जोन्स एंड कॉल्सन ने। अब हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को ही बताती है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होती है, कैसे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, उसी को ही बताती है। हमने वीबीटी में क्या पढ़ा था, वीबीटी के अकॉर्डिंग हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऐसे पढ़ा था हमने। लेकिन हमारी जो एमओटी है वो बोलती है हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके कंबाइन हो जाते हैं। क्या बोलती है, हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके कंबाइन करते हैं और फिर हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, समझ गए। वीबीटी ने मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी नहीं बताया था, जो हमारी एमओटी एक्सप्लेन करती है मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक बिहेवियर को। मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक नेचर बोल सकते हैं ऑफ मॉलिक्यूल भी हम एमओटी से ही देखते हैं। अब अगर बात करें वीबीटी में, हमने देखा था ऑक्सीजन, उसकी लिमिटेशन में हमने देखा था ना कि हमारा ऑक्सीजन वीबीटी के अकॉर्डिंग डायमैग्नेटिक नेचर का है ना, वीबीटी के अकॉर्डिंग डायमैग्नेटिक नेचर का है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और वो क्यों पैरामैग्नेटिक है वो भी एक्सप्लेन किया हमारी एमओटी ने, ठीक है, समझ गए। अब हमारे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के बारे में भी वीबीटी ने कोई बात नहीं की थी, एमओटी ने बताया हमारे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के बारे में। जैसे मैं आपसे पूछूं H2 मॉलिक्यूल, H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है, तो ये सब बातें वीबीटी ने नहीं की है, हमारे एमओटी ने ये सब बातें बताई हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना ज्यादा स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी इसको कैसे देखते हैं हम। तो चलिए इसके पहले मेन पॉइंट्स पे आ जाते हैं। इसके मेन पॉइंट्स और अजम्पशन की बात अगर हम करें, फर्स्ट हमारा पॉइंट है हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझ गए। हमारे वीबीटी ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। सेकेंड, हमारे ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, ये या तो हाफ फिल्ड हो सकते हैं या फुली फिल्ड हो सकते हैं, फुली फिल्ड हो सकते हैं या इनकम्प्लीटली फिल्ड हो सकते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो सकते हैं, समझ गए। थर्ड बात क्या है, ये जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, जितने हमारे कंबाइन करेंगे उतने ही हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर मैं आपको समझाऊं, मान लो हमारे टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए तो जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी हमारे टू ही बनेंगे, समझ गए। मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। अब ये जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए या नियरली सेम हो, इनकी एनर्जी है जो वो सेम हो या नियरली सेम हो, वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर सकते हैं। अब हमारी जो शेप एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जो शेप है हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, वो भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, सेम एनर्जी का मतलब, मान लो हमारे दो सेम ही एटम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, तो इनका मान लो इसका 1s और इसका 1s, तो इनकी एनर्जी तो सेम होगी, मतलब ये कंबाइन कर सकते हैं। अब नियरली सेम का मतलब क्या है, मान लो हमारे दो अलग अलग एटम्स हैं, ठीक है, इसका भी 1s और इसका भी मान लो 1s ही कंबाइन कर रहा है। अब हमारे एटम्स डिफरेंट होने की वजह से हमारे एनर्जी में थोड़ा तो डिफरेंस होगा, ठीक है, इसका मतलब उनकी एनर्जी नियरली सेम होगी, समझ गए। सेम एटम्स में तो एनर्जी सेम ही होती है, ओके, लेकिन हमारे डिफरेंट एटम हो जाएं, फिर हमारे सेम एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें, इसका मतलब उनकी एनर्जी नियरली सेम है। अब सेम शेप का मतलब क्या है, हमारा एस ऑर्बिटल एस से ही कंबाइन करेगा, पी ऑर्बिटल पी से ही कंबाइन करेगा, ठीक है, समझ रहे हो ये सब बातों को,
कि हमारी सेम एनर्जी, नियरली सेम एनर्जी एंड शेप भी हमारी सेम होनी चाहिए। अब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके टू टाइप्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे इसी में समझ लेते हैं, ये हमारे टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए, इसको मान लिया हमने साई ए, इसके वेव फंक्शन को मान लिया हमने साई ए, इसके वेव फंक्शन को मान लिया साई बी। अब हमारा जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ गए? अब हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल इन वेव फंक्शन के एडिशन से बनेगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन वेव फंक्शन के सब्सट्रैक्शन से बनेगा। ओके, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, एक तो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये बनते कैसे हैं? इसका वेव फंक्शन मान लो साई ए, इसका साई बी, ये हमें पता है एडिशन से बनता है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अगर मैं आपको फंडा बताऊं इनमें क्या है, ये है हमारी वेव साई ए। अगर तो हम इन वेव्स को ऐड कर देंगे तो जो हमारा रिजल्टिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी। ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये कंबाइन कर रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एडिशन को हम कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे जो रिजल्टिंग वेव बनेगी वो इस टाइप से होगी। इसका मतलब क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा हो जाती है। अगर हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें, वो कैसे बनते हैं, हमारे वेव फंक्शन के सब्सट्रैक्शन से। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका सब्सट्रैक्शन कर दूँ तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म हो जाएगी और इस तरह के इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और यहाँ पे ये क्या बना है, हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फंडा आपको समझ में आया कि जब दो वेव्स हमारी कंबाइन करती हैं, जब हम उसकी एडिशन करते हैं मतलब कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हमारा रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसकी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर उसकी सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो हमारा जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, समझिए। अब ये जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ना, इनमें एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारी बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होती, यहाँ पे बॉन्डिंग होती है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें, हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि एनर्जी इसकी क्या होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की लेस एनर्जी होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होते हैं और इनकी एनर्जी क्या होती है, मोर। समझ गए? इतनी सी बात है। हमारे टू टाइप्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। हमारा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है और जो हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। ठीक है, ये हमारे ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि एनर्जी इनकी लेस होती है, ये हमारे लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी हाई। जैसे हमारे एटम्स में डेफिनेट एनर्जी लेवल्स होते थे, ऐसे ही हमारे मॉलिक्यूल में भी डेफिनेट एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में भी डेफिनेट एनर्जी लेवल होते हैं। ओके, अब अगर बात करूं मैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ये हमारे मोनोसेंट्रिक होते हैं, मोनोसेंट्रिक। लेकिन जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं। अब मोनोसेंट्रिक पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या है, हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में टू और मोर न्यूक्लियस हो सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड से बनते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इससे क्या बनते हैं हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसको समझने के लिए हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम HA है, दूसरा हाइड्रोजन एटम HB है। अब ये जब कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे मतलब हमारे ये जब अट्रैक्शन होगी इन दोनों में, मान लो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन होगी और ये ओवरलैप करके कंबाइन कर जाएंगे मतलब मर्ज हो जाएंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। समझ रहे हो? हमारे मान लो ये हमारा
एक एच एटम है, ये दूसरा एच एटम, इसको एच ए, इसको एच बी। अब ये ओवरलैपिंग करके कंबाइन हो जाएंगे और हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। अब ये जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, इसका वेव फंक्शन मान लेते हैं हम साई ए, इसका वेव फंक्शन मान लेते हैं साई बी। अब जो हमारा रिजल्टिंग वेव फंक्शन होगा साई, जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन बोलेंगे, वो किसके इक्वल होगा, हमारे साई ए एंड साई बी। ये मिक्स ही तो हो रहे हैं ना, दो एटम्स हमारे मिक्स होके हमारा मॉलिक्यूल बना रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसके वेव फंक्शन भी मिक्स हुए होंगे। तो मिक्सिंग कोफिशिएंट का यहाँ पे हम यूज करेंगे, इसका मिक्सिंग कोफिशिएंट सी ए एंड सी बी। ये हमने ऑलरेडी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा था कि कोफिशिएंट, मिक्सिंग कोफिशिएंट क्या होता है, इसकी थ्योरी मैंने आपको करवाई थी, इन दोनों में रिलेशनशिप भी बताया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन समझ रही हो कैसे आई, ये क्या है, किसका वेव फंक्शन है, ये मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन है, जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनेगा उसका वेव फंक्शन है, ठीक है। ये किसका है, एटम्स का, ये फर्स्ट एटम एच ए का वेव फंक्शन है, ये सेकेंड एटम एच बी का वेव फंक्शन है, समझ के। अब ये दोनों एटम्स कंबाइन करेंगे तभी तो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा, जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनेगा उसका वेव फंक्शन हमने साई माना है, ठीक है। अब जब हमारे, हमें पता है जब हमारे वेव फंक्शंस मिक्स करते हैं तो हम कोफिशिएंट यूज करते हैं वहां पे सी। अभी हमने इसको साई ए माना है तो यहाँ पे सी ए, इसको साई बी माना है तो यहाँ पे सी बी, ओके, समझ के। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे ये सी क्या है, मिक्सिंग कोफिशिएंट। फर्स्ट इसका सिग्निफिकेंस है, ये सी ए बता रहा है कि इसका कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में, ये हमारे मॉलिक्यूल को बनाने में। ये सी बी हमारा साई बी का कंट्रीब्यूशन बताएगा कि कितना इसका कंट्रीब्यूशन है हमारे रिजल्टिंग मॉलिक्यूल को बनाने में, मतलब ये हर एक एटम के कंट्रीब्यूशन को बताता है कि कितना कंट्रीब्यूशन है उनका रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनाने में, या ऐसे बोल सकते हो हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल के कंट्रीब्यूशन को बताता है कि कितना कंट्रीब्यूशन है उनका रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में, समझ के। सेकेंड इसका क्या सिग्निफिकेंस है, फर्स्ट तो है इसका सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस है कि ये कंट्रीब्यूशन को बताता है एटॉमिक ऑर्बिटल के, या आप एटम्स के बोल सकते हो, ठीक है। सेकेंड इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो हमारा रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है ना, जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बोल सकते हो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनता है, उसको इस टाइप से एडजस्ट करता है ताकि उसकी एनर्जी लोएस्ट हो, उसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये जो मिक्सिंग कोफिशिएंट है, ये रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इस टाइप से एडजस्ट करता है कि उसकी एनर्जी लोएस्ट हो और स्टेबिलिटी ज्यादा हो, ये इसका सेकेंड सिग्निफिकेंस है, क्या है कि हमारी एनर्जी लोएस्ट हो और स्टेबिलिटी ज्यादा हो, इस टाइप से एडजस्ट करता है उसको। नोट्स की बिल्कुल टेंशन मत करना कि हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है नोट्स का, वहां से आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ आप समझो। अब सबसे पहले हम जो हमारी इक्वेशन थी इसको लिख लेते हैं, साई ए प्लस साई बी, इसको इक्वेशन नंबर हम वन मानेंगे जो हमने पहले लिखी थी। ये मिक्सिंग कोफिशिएंट्स हमारे, और ये है हाइड्रोजन ए, एच ए का वेव फंक्शन और ये एच बी का वेव फंक्शन है, ठीक है, समझ गए। आपको याद हो अगर मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में फर्स्ट ही आपको थ्योरम्स करवाई थी, उसमें मैंने आपको मिक्सिंग कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप याद रखने को बोला था, तो वो रिलेशनशिप क्या था, सी ए इक्वल टू प्लस माइनस सी बी, ठीक है, यही था। अब इफ अगर हम मानते हैं सी ए की वैल्यू है वन, तो सी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस वन। तो इन्हीं वैल्यूज को हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन। अगर हमने सी ए को वन माना है तो सी बी को हम एक बार हमने प्लस वन मान लेते हैं, दूसरी बार हम माइनस वन मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन नंबर वन कैसे आएगी, साई इक्वल टू साई ए, क्योंकि हमने इसको तो वन माना ना, प्लस यहाँ पे साई बी, क्योंकि ये भी हमारा प्लस वन था। ये जो हमारा बना है वे फंक्शन, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए है, किसके लिए है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया जब भी हमारे वेव फंक्शन प्लस होते हैं तो हमारा कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकंड, अगर हम सी ए की वैल्यू वन रखते हैं और सी बी की वैल्यू माइनस वन रखते हैं, तब हमारा क्या आएगा, साई इक्वल टू साई ए, यहाँ पे हमने वन रखी और यहाँ पे माइनस वन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साई बी। ये जो हमारा वेव फंक्शन है ये किसके लिए है,
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेव फंक्शन क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब हमारे ये जो वेव फंक्शन माइनस होते हैं, तब जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम साई से डिनोट करते हैं, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम साई स्टार से डिनोट करते हैं, समझ गए। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल लो, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखते कैसे हैं वो देखते हैं, हम बनाते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है। हमने किसका एग्जांपल लिया है, हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन में एक 1s होगा और दूसरा एटम भी हमारा 1s होगा, ठीक है। इसी तरह से इसको HA मान लो, इसको HB मान लो, ठीक है। ये कंबाइन करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, सबसे पहले तो ये ओवरलैपिंग करेंगे, फिर उसके बाद कंबाइन करके हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब इसके जो न्यूक्लियाई है वो इस टाइप से एडजस्ट होंगे और इसको बोलेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस टाइप से शेप होती है हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, जब 1s एंड 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं। अब अगर हमारे एटम्स में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, ठीक है, ये भी 1s 1s, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तब ये कैसे ओवरलैप करते हैं, तब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ओवरलैप करता है, ओके। और जो हमारा रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है इस टाइप से बनेगा, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव। इसमें बीच में एक नोडल प्लेन होता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है, ठीक है। नोडल प्लेन आपको पता है ना, ये क्या है हमारा नोडल प्लेन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। अब ये क्या है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, समझ गए। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस टाइप से दिखता है और एंटी बॉन्डिंग इस टाइप से। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जब हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो हमारे टू न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन जब हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो टू न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। इस बात को अभी याद रखना, हमें आगे करना है इसको, ठीक है, समझ के। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू न्यूक्लियस के बीच में बढ़ जाती है जब बॉन्डिंग बनता है और एंटी बॉन्डिंग में कम हो जाती है। यहाँ पे क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है इसको हम बोलेंगे σ1s, इसका नाम होगा, मैंने बोला था ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नेम कैसे हम लिखते हैं, सिग्मा और पाई से। अब यहाँ पे 1s एंड 1s ऑर्बिटल्स कंबाइन किए तो इसका नाम हो जाएगा σ1s, ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा σ1s और सिग्मा स्टार आएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम स्टार से डिनोट करते हैं, ये बात आप याद रखना। तो यहाँ पे सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल, ये इस ऑर्बिटल का नाम है। समझ में आती है आपको बात, हमारे अगर सेम साइन के ओवरलैप करेंगे तो बॉन्डिंग बनाएगी, अगर डिफरेंट साइन के ओवरलैप करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और यहाँ पे मैंने सिग्मा क्यों लिखा, पाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो हमारे हाइड्रोजन एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड ही तो बनती है, जब कंबाइन होते हैं तो हमारी सिग्मा बॉन्ड बनती है ना, इसलिए मैंने इसको σ1s एंड σ*1s लिखा, समझ गए। इससे पहले हम इक्वेशन 2 और 3 को लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 2 थी जिसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना था, और ये साई स्टार हमारी इक्वेशन 3 थी जिसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना था। अब एक बात ध्यान रखो, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि जो हमारा साई होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा, जो हमारा साई होता है ना, अकेला साई, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, नो सिग्निफिकेंस। लेकिन हमारा जो साई स्क्वायर है ये क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की देखेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताएगा, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी बताएगा कि कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, समझ गए। अब अगर हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड आउट करनी हो, हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की, वो हम कैसे निकालेंगे, साई का स्क्वायर करके। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, अगर हमने क्या फाइंड करना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, यहाँ पे बॉन्डिंग आएगा, ठीक है, समझ गए। अब सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन टू
हम इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे साई स्क्वायर। अब ध्यान रखो ये हमारा क्या है, क्या डिनोट करता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। ये दोनों हमारा डिनोट करते हैं अटोमिक ऑर्बिटल्स को। ये तो समझ गए हो ना बाप, ये दोनों अटोमिक ऑर्बिटल्स को शो कर रहे हैं, ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो कर रहा है। ये दोनों मिक्स होके तो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना था, है ना, समझ गए। अब इन दोनों का भी हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, पहले से ज्यादा हो गई है या पहले से कम हो गई है, ठीक है। अब वो इस इक्वेशन से पता लगेगी। अब ध्यान से देखो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। बस यहाँ पे लिख दो हमारा ए स्क्वायर मतलब साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी प्लस टू ए, यहाँ पे हमारे लिए क्या है साई ए, और बी हमारे लिए यहाँ पे क्या है साई बी, ठीक है, ये आ गया साई स्क्वायर। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यहाँ पे देखो ये किसके लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए है, ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये किसके लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटॉमिक ऑर्बिटल में कम होगी एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल से, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ज्यादा होगी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये किसके लिए था हमारा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए हमारी इक्वेशन थी, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया कि जब हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस टाइप से, मैंने आपको वेव बना के समझाया था कि हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारा जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, समझ गए। तो हम इस इक्वेशन को इस टाइप से लिख सकते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन साई स्क्वायर इज ग्रेटर देन साई स्क्वायर ए एंड साई स्क्वायर बी, ठीक है, समझ गए, घबराना मत, ये सब हमने नोट्स में आपको अच्छे से लिखा हुआ है कि आपने एग्जाम में कैसे लिखना है। सेकेंड हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब अगर हमने देखना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, अगर हमने ये देखना हो, अब कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, फ्रॉम इक्वेशन थ्री यहाँ पे क्या आएगा साई स्टार स्क्वायर, क्योंकि साई स्क्वायर ही हमें बताता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर कर दो, ये किसके लिए है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए है, और ये क्या डिनोट कर रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन। तो यहाँ पे हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यहाँ पे वैल्यू जल्दी से पुट आउट कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, इसमें ये क्या डिनोट कर रहा है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या डिनोट कर रहे हैं हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले से ही बताया है जब हमारे एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, यहाँ पे मैंने इस टाइप से आपको बताया था, जब अरे वेव माइनस होती है तो जो हमारा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन साई स्टार स्क्वायर इज लेस देन साई स्क्वायर ए, यहाँ पे ए नहीं लिखा मैंने, प्लस साई स्क्वायर बी, ऐसे लिख सकते हो, समझ में आ गया। ये जो हम बार बार लिख रहे हैं ना कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे कम है यहाँ पे ज्यादा है, पिछले में हमने लिखा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ज्यादा है यहाँ पे कम है, ये हमें ग्राफ से भी पता चलती है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किसके बीच में, साई स्क्वायर एंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में, तो यहाँ पे मान लो ये एच ए का न्यूक्लियस है और ये एच बी का न्यूक्लियस है, इस ग्राफ से भी हमें पता चलता है कि हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ये ग्राफ हमारा इस टाइप से आता है, इस टाइप से,
साई स्क्वायर ए के लिए और ये साई स्क्वायर बी के लिए, मतलब एच ए एटम के वेव फंक्शन के लिए और ये एच बी एटम के वेव फंक्शन के लिए। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए अगर बनाएं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, तो हमें पता है हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल से तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ आता है वो इस टाइप से आता है, हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से तो ज्यादा होती है और हमारे बिटवीन द न्यूक्लियस भी इंक्रीज कर जाती है इस टाइप से। ये जो मैंने डार्क लाइन शो की है ये हमारा है साई स्क्वायर, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन सा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, दो न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की है, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी थी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी हुई है, समझ गए। यहाँ पे क्या है, हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियस, समझ गए। इन ग्राफ से भी हमें पता चलता है, ठीक है, वो जो इक्वेशन है उससे भी पता चलता है और ग्राफ से भी हमें ये सब बातें पता चलती हैं। अगर हमने यही ग्राफ बनाना हो फॉर, यहाँ पे साइज स्क्वायर लेते हैं हम, यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एच ए एंड एच बी, ये किसके लिए था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके लिए ग्राफ कैसे, सबसे पहले एटम्स के लिए ग्राफ बनाएंगे, अगर हम एच ए एटम एंड एच बी एटम के लिए वो तो हमारा सेम ही आएगा, लेकिन जब ये कंबाइन कर जाते हैं, जब हमारे एच ए एंड एच बी एटम कंबाइन करके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तब हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती थी, डिक्रीज होती थी, कम हो जाती थी, तब तो पता है, और दो न्यूक्लियस के बीच में तो बिल्कुल ही जीरो हो जाती है ये। अब मैं आपको बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के भी बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें पता है, ये किसके लिए सबसे पहले लिख लेते हैं, साई स्क्वायर ए के लिए, यहाँ पे साई स्क्वायर बी के लिए, और ये लिख रहे हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए ग्राफ। ये जो डार्क लाइन है ये साई स्टार स्क्वायर के बारे में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे बिल्कुल जीरो करो इसको, जीरो, ठीक है। दो न्यूक्लियाई के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बिल्कुल जीरो आ जाती है, यहां पे ही आता है हमारा नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। अब मैं आपको दिखाऊं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखता कैसे है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो हमने पहले ही देख लिया, हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के बीच में ज्यादा होती है, ठीक है, वो हमारा इस टाइप से होता है, समझ गए। ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहां पे एक्चुअल में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये दो न्यूक्लियाई अगर मर्ज हुए इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में देखो आप, हमारा जो न्यूक्लियाई होता है वो इस टाइप से होता है और ये बनते हैं हमारे बिल्कुल यहाँ पे लेस होती है और यहाँ पे आ जाता है हमारा नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सब जगह से आपको समझ में आ रहा है कि हमारे दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल ही जीरो है और यहाँ पे ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स या एटम्स के बीच में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में कुछ नहीं है, सबसे पहले आपने वेव फंक्शंस को मिक्स करके लिख देना है कि हमने कैसे लिखना है, फिर उसके बाद अगर हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो वेव फंक्शन को प्लस कर देना है, वहां पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, अगर माइनस कर देंगे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर फाइंड आउट करनी हो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे वेरी करती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो वो हम साई स्क्वायर से करेंगे, तो वो इक्वेशंस का हमने स्क्वायर करके वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता की, हमने ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ से भी हमें पता चला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बॉन्डिंग में बढ़ जाती है टू न्यूक्लियाई के बीच में, और वैसे भी उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल ज्यादा होती है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू न्यूक्लियाई के बीच में बिल्कुल जीरो हो जाती है और वैसे भी हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। ये थोड़ी सी हमने ये तो देख लिया कि हमारे 1s 1s ऑर्बिटल कंबाइन करके हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, अब हम देखेंगे हमारा 2s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल कंबाइन करके कैसी शेप होती है एंड 2p ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो हमारी कैसी शेप होती है। ओके, इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं n2 का। n2 में आपको बताया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आउटर 2p3 2p3,
ठीक है। अगर मैं आपको इस टाइप से बना के बताऊं 2p ऑर्बिटल, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, अब हमें पता है px px के साथ ही ओवरलैप करेगा, मैंने बोला था सेम शेप भी होनी चाहिए, सेम ओरिएंटेशन भी आपको पता होनी चाहिए, py एंड pz, py एंड pz, ठीक है। तो ये इसी से कंबाइन करेगा, ये इससे और ये इससे, ठीक है, ये ओवरलैप करके यही मिक्स होंगे। अब एक बात तो आपको पता होगी, हमारे जो फर्स्ट बॉन्ड होती है उसमें वो क्या होती है, सिग्मा, सेकंड हमारी पाई और थर्ड भी हमारी पाई। तो सबसे पहले हम 2p एटॉमिक ऑर्बिटल और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे कंबाइन करके सिग्मा पाई एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं वो देखें। बताए जो हमारा 2pz एंड 2pz ऑर्बिटल है वो क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारी कन्वेंशन है, इसको यूज करना ही है आपको। हमारे pz एंड pz ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करते हैं हमारी सिग्मा बॉन्ड बनती है। तो सबसे पहले pz ऑर्बिटल बना लो प्लस pz, ये हमारे सबसे पहले क्या करेंगे, ओवरलैप। ओवरलैप अगर हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो हमारे सेम साइन के ही ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, और अगर हमारा एंटीबॉन्डिंग होता तो वो डिफरेंट होते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस टाइप से बनता है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये किससे बना है, हमारे 2pz एंड 2pz से ओवरलैपिंग होके मिक्स हुआ तो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। अब इसका नाम क्या होगा, इसने कौन सी बॉन्ड बनाई है, सिग्मा बॉन्ड, और ये 2pz एंड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किए हैं, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझ गए। ये दिखता ऐसा है और इसका नाम क्या होगा, सिग्मा 2pz। अगर ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल माइनस होते, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, हमारी ओवरलैपिंग किस टाइप से होती, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप हो जाता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस हमारा कौन सा बनना है, एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये मिक्स होके यहाँ पे ये आएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, समझ गए। अब यहाँ पे नोडल प्लेन्स का ध्यान रखना, यहाँ पे कितने नोडल प्लेन आ जाएंगे, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। यहाँ पे कितने नोडल प्लेन्स आए थे, 1 एंड 2, यहाँ पे 2 नोडल प्लेन, यहाँ पे 3 नोडल प्लेन। नोडल प्लेन तो समझते हो ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही जीरो हो। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी बिल्कुल जीरो, यहाँ पे भी और यहाँ यहाँ पे भी, समझ गए। अब ये क्या है हमारा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, सिग्मा स्टार 2pz, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए हम स्टार यूज करते हैं, और ये किससे बना है, 2pz एंड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल से बना है, ये हम इसका नाम लिखेंगे सिग्मा स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। 2px एंड 2px ये भी हमारी पाई बॉन्ड बनाएगा, और 2py एंड 2py ये भी हमारी पाई बॉन्ड बनाएगा। तो हम एक को देख लेते हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड तो बताया ना आपको साइड वाइज ओवरलैप से बनती है, ठीक है। तो चलो हमारा 2px ऑर्बिटल बना लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग किस टाइप से होगी, इस टाइप से, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करेगा, नेगेटिव नेगेटिव। अब ये कंबाइन होंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। अब ये कंबाइन करके इस टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे कंबाइन कौन से हो, 2px 2px, तो इसका नाम हो जाएगा पाई 2px। पाई क्यों लिखा, क्योंकि इसने पाई बॉन्ड बनाई है हमें पता है, और 2px 2px इसका, ठीक है। तो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस टाइप से दिखते हैं जब हमारे पाई ओवरलैप होती है। तो 2py एंड 2py में भी इसी टाइप से होगा, बस नेम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे yy आ जाएगा, ठीक है, समझ के। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करो जरा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ओवरलैपिंग जो होगी वो किसके बीच में होगी, आपको पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में,
समझ गए, ओवरलैपिंग सेम साइन में नहीं होगी जब हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। हमें पता है ये सब बातें कि सेम साइन में ही हमारी बॉन्डिंग होती है, अगर सेम साइन ना हो तो हमारी बॉन्डिंग नहीं होती। अब यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो होंगे कुछ इस टाइप से, समझ के। ये क्या है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। यहाँ पे देखो वन नोडल प्लेन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2px ही ज्वाइन किए हैं, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए हम नाम कैसे लिखेंगे स्टार में। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसका नाम, देखो पाई स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझ गए ओके। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये देखो ये भी तो एक नोडल प्लेन है ना इस टाइप से, तो यहाँ पे नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे 2 ओके, यहाँ पे नोडल प्लेन 1। अब अगर हम 2s एंड 2s ऑर्बिटल कंबाइन की बात करें तो वो सिमिलरली जैसे हमारे 1s एंड 1s ऑर्बिटल कंबाइन किए थे उसी टाइप से होगा, मतलब हमारे 2s ऑर्बिटल का बस साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन कंबाइन वो उसी टाइप से करेंगे। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो इसी टाइप से ये कंबाइन करके हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे बॉन्डिंग, उसको हम बोलेंगे सिग्मा 2s, ठीक है। अगर ये माइनस हो जाएंगे तो यहां पे इस टाइप का हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2। हम डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो चलिए फर्स्ट डिफरेंस तो इसका यही है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे कैसे बनते हैं, टू वेव फंक्शन के एडिशन से। तो सबसे पहले टू वेव फंक्शन के एडिशन से हमारे बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और टू वेव फंक्शन के सब्ट्रैक्शन से हमारे बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टेंशन मत लेना, इसके जो नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहां पे आप अच्छे से कैसे लिखना है वो सब आप समझ लेना। सेकेंड क्या है, यहाँ पे टू न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो हम ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियस इज हाईएस्ट, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, टू न्यूक्लियाई के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बिल्कुल ही जीरो होती है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई इज लोएस्ट, समझ गए। और अगर हम बात करें हमारे एनर्जी होती है वो लोएस्ट होती है देन आइसोलेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका मतलब समझ गए ना आप, ये जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह से कंबाइन करते हैं, मैंने बोला था जो ऊपर वाला होता है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जो नीचे वाला ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इसका मतलब अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से इनकी एनर्जी लोएस्ट होती है इनकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ पे ये मैंने आपको बता ही दिया इनकी एनर्जी अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से जो कंबाइन कर रहे हैं उनसे ज्यादा होगी, तो यहां पे लिख सकते हैं हम एनर्जी इज हायर देन इट्स आइसोलेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल। आइसोलेटेड का मतलब तो अब आपको बताया ना, जो हमारे फ्री एटम्स होते हैं अकेले अकेले एटम, हमारे अकेले अकेले एटॉमिक ऑर्बिटल ही कंबाइन करते हैं ना, तो उन दोनों से इनकी एनर्जी ज्यादा होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अट्रैक्शन होती है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो क्या कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, अट्रैक्शन कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। उनमें इलेक्ट्रॉन इस टाइप से होते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो, मतलब यहाँ पे ये मान लो ये एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, ठीक है, बीच में ज्यादा होते हैं ना, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है। ओवरऑल हमारे दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं कि हमारे दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन हो, समझ रहे हो। इसमें जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं कि दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन हो, तभी तो हमारी बॉन्डिंग होगी। लेकिन हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन हो, तभी तो वहां पे बॉन्डिंग नहीं होती। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट
रिपल्शन। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा और पाई से। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को सिंपली हम सिग्मा और पाई से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को आपको बताया हम स्टार का यूज करते हैं, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, इस टाइप से यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, डिफरेंस पता लग गया इन दोनों में। सबसे पहले डिफरेंस है दोनों एडिशन से बनते हैं, दूसरी बात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे ज्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है, यही तो हमने पढ़ा अभी तक। फिर उसके बाद एनर्जी होती है जो इसके आइसोलेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, मतलब जो ऑर्बिटल्स हमारे कंबाइन करके जिसने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है उनसे इनकी एनर्जी लेस होती है और इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन बीच में होने की वजह से अट्रैक्शन, बीच में ज्यादा होते हैं ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से दो एटम के बीच में अट्रैक्शन होती है, यहाँ पे दो एटम्स के बीच में रिपल्शन होती है और बॉन्डिंग नहीं होती। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा एंड पाई नॉर्मली से, इसको सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से डिनोट। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे हमारे मॉलिक्यूल्स के लिए, उसके लिए हमारे वही रूल्स फॉलो होंगे। सबसे पहले हमारा आवभाव प्रिंसिपल, आवभाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को हम इनर्जी लेवल्स के हिसाब से भरेंगे। सबसे पहले हम लोएस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को भरेंगे, फिर उसके बाद जिसकी एनर्जी हाई होगी फिर उसको फिल करेंगे, फिर उससे हाई वाले को फिल करेंगे। इसी टाइप से होता था ना, जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे लोएस्ट है उसको फर्स्टली फिल करेंगे और अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल हम फिल करते जाएंगे। ये हमारे आवभाव प्रिंसिपल ने कहा था। सेकेंड हमारा क्या था, इस प्रिंसिपल पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अगर आपको याद हो उसने बोला था नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑल फोर क्वांटम नंबर सेम, मतलब ओवरऑल उसने ये बोला था कि हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट ही रहेगी, वो सेम नहीं हो सकती। ऐसे ही हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ही है, भी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो ऑपोजिट ही रहेगी, अगर एक की स्पिन हमारी पॉजिटिव है तो दूसरे की हमारी नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, इसी टाइप से होगा, तो ये रूल भी यहाँ पे फॉलो होगा। थर्ड रूल हमारा हुंस रूल, उसने बोला, क्या बोला था उसने, अगर हमारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो हम उसको कैसे भरेंगे, सबसे पहले सिंगली फिल्ड करेंगे फिर डबली फिल्ड। ऐसे करते थे ना आप कि ये हमारे 2p ऑर्बिटल्स है, ये 2px है, ये 2py एंड 2pz, ठीक है, इनको सबसे पहले हम सिंगली फिल्ड करेंगे उसके बाद हम डबल फिल करेंगे। इसमें भी ऐसे होता है, होता है हमारे मॉलिक्यूल्स में हमारे पाई 2px एंड पाई 2py इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, तो इसको भी हम ऐसे भरेंगे, सबसे पहले हम सिंगली फिल्ड करेंगे दोनों को फिर हम इसको डबली। समझ में आ गए, सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल को सिंगली फिल करना है फिर इसकी पेयरिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। तो ये तीन रूल्स है हमारे मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है। जैसे आपने एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखी थी ना, 1s2 2s2 2p6 इस टाइप से याद रखी थी, ऐसे आपने मॉलिक्यूल्स की याद रखनी है। तो आज हम यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं ये देखेंगे, आप ये नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करके आना, क्योंकि हमने एनर्जी लेवल डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की नेक्स्ट लेक्चर में समझनी है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन या लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो, ये सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के लिए है, उन एटम्स के लिए नहीं बोल रही मैं, उन मॉलिक्यूल्स के लिए है जिनमें इलेक्ट्रॉन 14 हो या 14 से कम हो। ठीक है, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, फिर आता है हमारा पाई 2px, पाई 2px और पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी सिमिलर होती है। ठीक है, फिर आएगा हमारा सिग्मा 2pz, फिर हम लिखेंगे पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस करेंगे, और नोट्स मैंने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं।